हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आप देख रहे हैं किस व्लॉग से मैं हूँ आपका निकेत। सो गाइस अभी का सीन है कि अभी हम आए हुए अपनी पार्क में, सुबह सुबह देख सकते हो। तो इधर थोड़ी सी धूप इधर आई हुई है और बाकी जहाँ पे हम बैठे हैं वहाँ पे धूप नहीं है। और इधर हमारे कुछ एक सब्सक्राइबर है, कुछ नहीं एक सब्सक्राइबर और एक हमारा जो रेगुलर जो आपको व्लॉग में दिखता है वो है। बिल्कुल देख लगा इस कितना लंबा है भाई, यहाँ से लेकर ऊपर तक रहा है, यहाँ तक बिल्कुल। तो अभी आप देख सकते हो मैंने पूरा ग्रीन आउटफिट डाला हुआ है, देख सकते हो ये पजामा भी ग्रीन है और ये भी ग्रीन है। तो अभी हम जा रहे हैं दूध लेने, तो चलते हैं दूध लेने, फिर आपसे मिलते हैं। तो अभी दूध वगैरह ले लिया हुआ है फ्रेश, मासी ने भेजा था गाय का दूध, इतना भारी है नमन छुटाया जा रहा है। देखो गाय का दूध दो बोतलें हैं, चार किलो दूध पियेंगे, जान बढ़ाएंगे। तो चलते हैं अभी घर पे और घर जाके करते हैं ब्रेकफास्ट। तो अभी नमन ने निकाले पैसे, मैं बहुत तेज हूँ क्योंकि इसके पास पैसे रहे तो ये दो मिनट में खर्च देता है। 100 रुपया मिला है तो ये खर्च देगा, नहीं तो खर्च देगा ना, ना। क्यों, क्या करेगा? इन्वेस्ट करूंगा। किस में, कौन सी कंपनी में? वाह मेरी जान। तो चलते हैं अभी। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया हुआ है, तो अभी मैं गया था कुछ काम से बाहर, तो वो भी काम फिनिश हो गया हुआ, टाइम हो चुका है 11:30 का और अभी मैं पढ़ूंगा। तो हमारे बोर्ड के एग्जाम्स भी आने वाले हैं 6 तारीख से, इसलिए अब कोई खेलना वगैरह नहीं है, बिल्कुल 2 महीने फुल तैयारी करनी है जम के, तो बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आने, ठीक है नहीं ये बात। तो अभी अपना पढ़ते हैं फिर आपसे मिलते हैं। और एक बात, जो दूध था ना, दो पतीली में दूध डाला, एक पतीली में मैं कि दो पतीली में डाला तो एक पतीली में दूध चढ़ा था ना वो उबल गया, तो मैं कि वो गिर गया बाहर, तो किसी को बताया नहीं मैंने, ना नमन को बताया ना पापा को बताया। तो जो दूसरी बार पतीली वाला था वो मैं खड़े होके पास किया उसको मोबाइल, वो ठीक है। तो मैं रोटी खा रहा था ना तभी वो देखा कि आवाज़ आई, तो वो दूध उबल गया था। अब मम्मा को तो नहीं पता चलेगा क्योंकि मम्मा व्लॉग देखते नहीं है, अगर देख लें तो फिर पता चल जाएगा, दिखा दूंगा फिर मम्मा डांटेगी। तो चलो कोई नहीं, उबल गया, अब दूध भी रख दे हुआ है, अब पढ़ते हैं। तो अभी आपका भाई पढ़ लिख के फ्री हो चुका हुआ है, तो मम्मा भी आ गए आज जल्दी, तो अब आपको मोटर की आवाज़ आ रही होगी, इसलिए अब मैं भरूंगा पानी वगैरह भर के फिर आपसे मिलते हैं। तो अभी आपका भाई कर रहा है लंच, तो लंच में आज बना हुआ है देख सकते हो यहाँ पे माँ राजमा की दाल, साथ में चपाती और साथ में स्वादली चटनी। ये चटनी पापा ने बनाई है, इतनी स्वाद है ना, मैंने टेस्ट की थी अभी थोड़ी देर पहले। तो अभी लंच वगैरह करके फिर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, तो फटाफट लंच करके फिर आपको बताता हूँ। लंच वगैरह कर लिया हुआ, अब मैं आपको बताता हूँ बात, इसको देखना है आप। काकोमाई, वो काकोमाई बड़ी प्यारी है तुम, है ना काकोमाई, काकोमाई कुछ बोलती नहीं गाइस, कोई आए भोंकती है बस काटती नहीं है, कई लोग कुत्ते काटते हैं ना बट ये नहीं काटती। और मैं अब आपको दिखाता हूँ ये गाइस वो चीज़, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एलोन मस्क। तो हमको स्कूल में प्रोजेक्ट मिला था कि आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के ऊपर, एक कोई भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होना चाहिए उसके ऊपर आपने उसकी फुल विकीपीडिया लिखनी है, फुल हिस्ट्री, फुल सक्सेस लिखनी है। तो कई लोगों ने अंबानी की लिखी है, कहीं ने रतन टाटा की लिखी है, कहीं ने किसी की लिखी है, कहीं ने किसी की लिखी है, तो मैंने लिखी है एलोन मस्क की, देख सकते हो बिल्कुल। अभी तो इतने ही पेज भरे हैं, मंडे को चेक करवानी है तो ये और लाने पड़ेंगे, ये शीट्स भी ख़त्म हो जाएंगे और अभी इतनी भरी है। और फोटोशूट भी करानी है इसके फोटोज़, और जो कंपनी फाउंडर जो भी है एलोन मस्क उनके फोटोग्राफ्स पेस्ट करवा के, फोटोस्टेट करवा के फिर पेस्ट करने पड़ेंगे। तो चलो अभी थोड़ी देर बना के फिर चलते हैं मम्मा की दवाई लेने। तो अभी मैं शीट्स वगैरह लेके आ चुका हूँ, देख सकते हो ये क्लासमेट की शीट्स मिली हैं, तो ये जो थी ना ये कैमलिन की शीट्स थी। तो मैंने हर दुकान में पूछा स्टेशनरी की जितनी भी हैं बाहर, तो बोलते हैं कि हमारे पास कैमलिन की नहीं, क्लासमेट की और फ्लेयर की है। तो मेरे को ये लगा कि जो इसका होल होते हैं ना, ये जो ये जो वाले होल, तो ये मेरे ख्याल इस होल से मैच नहीं करेंगे, तो इसलिए मैं ले नहीं रहा था। फिर अंकल बोलते हैं हो जाएंगे, तो अब मैंने अभी आके मिलाए इसको तो ये हो गए। तो चलो अभी बनाते हैं थोड़ा और प्रोजेक्ट, फिर मंडे को सबमिट करवाना है। तो अभी हम गए थे बैडमिंटन खेलने, मैं भी आ गया हूँ और नमन भी आ चुका है। तो अब हम पीने लगे बनाना शेक, सो मैंने इसमें बनाना डाल दिए, बनाना नहीं बनाना, और हमने इसमें एक और चीज़ डाली है वो है केवड़ा जल, जिससे
खुशबू आ जाती है। और साथ में दूध है पूरा गिलास, देख सकते हो इतना बड़ा, 1 लीटर वाला। तो अब इसमें दूध भी डालते हैं। टेस्टी गाइस, कितना टेस्टी है, अति सुंदर हैं, अति टेस्टी गाइस। देखना बनाना शेक पी के अपनी मूछे बना गया। अब एक ही डीक में पी जा फिर बनेंगी, एक ही डीक में पी जा फिर बनेंगी। अब बनी है सही मूछे। तो अब हम पी के टेस्ट करते हैं। टेस्ट बना, कसम से टेस्ट बना। अगर ये तो मैंने अभी सिंपल बनाया, अगर मैं जैसे ओरियो शेक बनाया था ना, अगर मैं इसको भी वैसा बनाता ना तो ये इतना तगड़ा होता, मैं आपको बता नहीं सकता। क्या नमन, अगर मैं इसको ओरियो शेक की तरह बनाता, ओरियो शेक नहीं बनाता बट ये बनाना शेक बनाता, मैं तगड़ा बनाता। हर्षीज ने बड़ा कुछ डाल के, अगली बारी कभी बनाएंगे तो अभी इसी को पीते हैं। अभी नहीं, अगली बारी। अभी हम जा रहे हैं कुछ सामान लेने क्योंकि कल है शिवरात्रि, इसलिए। तो अभी थोड़ा सा सामान लेना था जो शिवरात्रि के लिए, वो इधर ले लिया हुआ है। और नमन ने लिए हैं पूर्विया के लिए स्प्रिंग रोल। हम पूजा पाठी बंदे, ये जंक फूड वाले बंदे। हाँ, आप भी नहीं कर रहे भाई। मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ। और मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। इसमें है दही, लौंग, इलायची और देसी घी। और जो बाकी सामान है वो घर पे अवेलेबल है, जिसकी जरूरत थी वही लाए हैं। और इनको देखो, जंक फूड खाने वाले बंदे, फास्ट फूड खाने वाले। भाई मैंने छोड़ा हुआ है। कितने झूठ बोलते हो ना। मैंने छोड़ा हुआ गाइस, सच बोल रहा हूं। वो थोड़ा सा खाया, बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा, आधा खाया। बोल रहा मैं तेरी बॉन्ड लगाता हूँ। बराबरी करने में पूरी हक रखा हुआ इसने, पूरा हक रखता है बराबरी करने में, इतना तेज है। और हम फिर रहे हैं अपने टॉर्च लगा के इतनी सी गलियों में। तो चलो अभी चलते हैं घर पे, फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी मैं करने लगा डिनर। तो डिनर में बनाऊंगा आज वाइट चने और साथ में चावल और साथ में चटनी। और यहाँ पे ये कर रहा है कुलचे और सूखे चने के साथ, सूखे चने खा रहा है। वो क्यों, मुरापा मजा आता है। और यहाँ पे मम्मा भी कर रहे हैं। तो अभी डिनर वगैरह करके फिर आपसे मिलते हैं। और आज मम्मा की तबीयत ठीक भी नहीं है थोड़ी सी, क्योंकि मम्मा को जुकाम हो गया, सिर दर्द हो रही है और बॉडी पेन हो रही है, इसलिए दवाई लेने गए थे। अभी मम्मा डिनर वगैरह करके फिर दवाई खाएंगे, फिर शायद फर्क पड़ जाएगा। नहीं पड़ेगा फिर कल डॉक्टर को बताना पड़ेगा। तो चलो अभी डिनर वगैरह करते हैं। तो अभी मैंने डिनर वगैरह कर लिया हुआ है, तो अब मैं करूँगा अपना प्रोजेक्ट वर्क। तो प्रोजेक्ट वगैरह करके फिर मैं सो जाऊँगा। तो चलो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। जिस जिसको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज जय श्री राम।